परम सत्कार यो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी आओ सब तो पहले गुरु बख्शी फतेह दी सांझ पाइए जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। संगत जी जिवें आप जी नु पता ही है बाला प्रीतम स्टडी सर्कल वालों 14वां विशेष उपराला अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते इतिहास मुकाबला बाबाणियां कहानियां जो कि दिन शनिवार ते ऐतवार 27 अप्रैल ते 28 अप्रैल नु करवाया जा रहा है। संगत जी इस मुकाबले दे तैयारी लई सोसाइटी वालों हर ऐतवार नु ऑनलाइन क्लासां भी लगाईयां जा रही हैं ताँ जो बच्चियां दी तैयारी चंगी तरह करवाई जा सके ते बच्चे मुकाबले विचों चंगे अंक प्राप्त करके इनाम हासिल कर सकन। संगत जी ए सोसाइटी दे विच बच्चे दा मुकाबला सिर्फ अपने आप नाल ही है क्योंकि इस दे विच जिन्ने मर्जी बच्चे पहली पोजीशन ते आन या दूसरी पोजीशन ते आन या तीसरी ते हर बच्चे नु इनाम दिता जांदा है जी। यह एक निष्काम सेवा सोसाइटी है। यह सोसाइटी की कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है जी। संगत जी सोसाइटी वालों बच्चों नु गुरसिखी नाल जोड़न लई अगर इन्ना उद्यम किया जा रहा है सो आप भी वध तो वध उपराला करो इस वीडियो नु वध तो वध शेयर करो ता जो बच्चे इस मुकाबलिया दे नाल जुड़ के गुरसिखी नाल जुड़न। संगत जी अज असी देखांगे कि किवें ए ग्रुप दा पेपर इस वीडियो विच लिया जांदा है। एक सैंपल वीडियो है इसी तरीके नाल आप जी दा पेपर लिया जाएगा। 4 तो 6 साल तक दे बच्चे जो हन ओ ए ग्रुप विच आंदे हन। ए ग्रुप दे बच्चियां दा पेपर 100 नंबर दा होएगा। 70 नंबर दा जिहड़ा पेपर होएगा उह सवाल जवाब विच होएगा। 4 सवाल उन्हां नूं जीवन ब्योरे चो जिहड़े 10 गुरु साहिबान दा जीवन ब्योरा है उहदे विचों पुछे जाणगे ते जिहड़े 10 सवाल है उह प्रश्नोत्तरी चों पुछे जाणगे। हर सवाल 5 नंबर दा होएगा सो इस प्रकार बच्चा 70 अंक प्राप्त करेगा। ते जिहड़े 30 नंबर हन उहदे विचों 10 नंबर बच्चा ऑनलाइन क्लासां लगा के हासिल कर सकता है। हर क्लास दा 1 नंबर है 10 क्लासां दे 10 नंबर जुड़नगे जी। पर जिन्हां बच्चियां ने 50 मिंट दी जिहड़ी क्लास लगाई होएगी तां ही उन्हां दी हाजरी मन्नी जाएगी ते 1 अंक जुड़ेगा जी। 10 नंबर बच्चे दे डिसिप्लिन दे होणगे कि बच्चे नूं पेपर दे दौरान कोई डिस्टर्बेंस तां नहीं हो रही अखां बंद करके सुना रहा है या उन्हूं पिछों कोई माता पिता दस तां नहीं रहे इस प्रकार बच्चा 10 नंबर प्राप्त कर सकता है। ते 10 नंबर बच्चा बाणा पा के सोना दुमाला सजा के ते उपर शस्त्र लगा के हासिल कर सकता है जी। इस प्रकार 30 नंबर जुड़नगे सो टोटल जिहड़ा पेपर है 100 नंबर दा होएगा जी। सो आओ हुण असीं देखदे हां कि किवें ए ग्रुप दे बच्चे दा पेपर लिया जाणा है जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बच्चे अपना नाम दसो। पंतप्रीत सिंह। ठीक है अपने माता जी का नाम दसो। सिमरनप्रीत कौर। ठीक है अपने पिता जी का नाम दसो। गुरजीत सिंह। ठीक है जी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बोलो। BP 3102। ठीक है जी आप जी का पहला सवाल है गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म कदो होया। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1606। ठीक है आप जी नु गुरगद्दी किस स्थान ते मिली। गुरगद्दी आनंदपुर साहिब तो। ठीक है जी आप जी दा दूजा सवाल है गुरु नानक देव जी दा जन्म कदो होया। गुरु नानक देव जी दा जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी नु होया। ठीक है आप जी दी कुल उम्र किन्नी सी। 70 साल 5 महीने। ठीक है जी आप जी दा तीजा सवाल है गुरु अंगद देव जी दे माता पिता दा नाम दसो। गुरु अंगद देव जी दे माता पिता दा नाम बाबा फेरूमल जी माता दया कौर जी। ठीक है जी आप जी दा चौथा सवाल है गुरु अमरदास जी दे सुपत्नी दा नाम दसो। गुरु अमरदास जी दी सुपत्नी दा नाम है माता राम कौर जी। ठीक है आप जी दी संतान दा नाम दसो। संतान दा नाम मोहन जी मोरी जी बीबी पानी जी बीबी दानी जी। ठीक है जी आप जी का पंजवा सवाल है गुरु नानक पातशाह जी ने किन्निया उदासियां कीतियां। 4 उदासियां। ठीक है जी संतोखसर सरोवर दी खुदाई लई गुरु रामदास जी नाल केड़े सिख गए। बाबा बुड्ढा साहिब जी। ठीक है जी आप जी का 7वां सवाल है गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने किस तख्त दी उसारी करवाई। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर पंजाब। ठीक है जी आप जी का 8वां सवाल है दिल्ली विच गुरु हरकृष्ण साहिब जी किस राजे दे बंगले विच रहे। राजा जय सिंह जी दे। ठीक है जी गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे नाल होर केड़े केड़े सिख शहीद होए। भाई मतीदास जी भाई सतीदास जी भाई दयाला जी। ठीक है जी आप जी का 10वां सवाल है 4 साहिबजादे दे नाम दसो जी। साहिबजादा बाबा जीत सिंह जी साहिबजादा
ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪੰਜ ਕੇਸ, ਕੰਗਾ, ਕੜਾ ਕੇ ਪਾਣ ਕੇ ਚਾਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਸਨੇ ਥਾਪਿਆ? ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਛਹਿਰਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ? ਕਛਹਿਰਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸਨੇ ਬਾਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਮਾਲਾ ਵੀ ਸਜਾਇਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੋਚੋ ਸੋ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚੋ ਸੋ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।